हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रूपल शुक्ला और टॉपिक आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ, दैट इज फाइलम प्रोटोजोआ। सो फाइलम प्रोटोजोआ आता है अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा। सो प्रोटिस्टा होते हैं, दे आर जनरली यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। सो अगर ये है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, तो फाइलम प्रोटोजोआ भी है यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। सो जनरल फैक्टर्स पढ़ते हैं इनके। नंबर वन, दे आर स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं ये, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये इतने स्मॉल होते हैं कि विदाउट माइक्रोस्कोप इनको हम देख नहीं सकते अपनी नेक्ड आई से। नेक्स्ट, ये होते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होते हैं ये, मीन्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं इनको। यूनिसेलुलर होते हैं ये, यूनिसेलुलर होते हैं ये और होते हैं यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। नंबर थर्ड, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। They can be free living or parasitic। और ये कॉलोनी में पाए जा सकते हैं और ये हो सकता है सोलिटरी भी। नंबर फोर, ये बहुत ही सिंपल और प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपल एंड प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। प्रिमिटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अदर फाइलम से जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंटेटा, एस्केमेथिस, एलेटा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, वो सबसे ही पहले आए थे, इसलिए कहते हैं कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। और जो इनका बॉडी शेप है, आप अगर देखा होगा अमीबा को, तो उसका शेप फिक्स नहीं होता, उसका शेप वेरिएबल होता है, तो इनका जो बॉडी शेप है वो वेरिएबल है। बॉडी शेप इज वेरिएबल। ये ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, राउंडेड भी हो सकते हैं, किसी भी शेप में ये हो सकते हैं। नंबर सिक्स, दे लैक सेल वॉल। तो अगर हम सेल वॉल की बात करें, तो सेल वॉल बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का। और जो फाइलम प्रोटोजोआ, ये आता है किंगडम एनिमेलिया, और एनिमल्स केस में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इनमें पाया जाता है लैक सेल वॉल। नंबर सेवन, दे हैव सेल मेम्ब्रेन। इनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर कह सकते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है टर्टल से फीचर ऑफ एनिमल सेल। नंबर एट, दे आर हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक मींस ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। तो ये सिर्फ हेटरोट्रॉफिक नहीं, ये और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि होलोजोइक, होलोजोइक जो एनिमल्स फीड करते हैं, होलोफिटिक जो कि प्लांट्स फीड करते हैं, सैप्रोफिटिक, सैप्रोजोइक कह सकते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग मैटर्स पे ये ईट करते हैं। उसके बाद ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर नाइन, जो प्रोटोजोआ की जो बॉडी होती है, दैट इज बाउंडेड बाय पेलिकल। इनकी बॉडी तो पहले नेक्ड हो सकती है, बॉडी कैन बी नेक्ड, जैसे मे बी नेक्ड या फिर और बाउंडेड बाय पेलिकल। अब पेलिकल का प्रेजेंट होना एक करैक्टरिस्टिक फीचर है
एनिमल सेल का, क्योंकि जो पहले यूग्लिना था ये आता था इन प्लांट्स, लेकिन इनकी बॉडी फंक्शन था पेलिकन की कवरिंग, जो कि आता है सिर्फ एनिमल सेल में, एनिमल्स में, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। नंबर 10, दे हैव कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो कि काम करते हैं उसमें रिलेशन का। बाकी अदर फीचर्स जैसे कि इनके अंदर रेस्पिरेशन वगैरह वो सब होता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। और प्रोटोजोअस में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा दैट इज साइटो होती है बाहर की तरफ, जो कि हेल्प करती है वो माउथ एंड एनस का। नेक्स्ट ये जो सिमेट्री है वो बहुत ही वेरिएबल है। एसिमेट्रिक बोल सकते हैं ये, एसिमेट्रिक मीन्स कहता कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, रेडियल भी हो सकते हैं और बायलेटरल भी हो सकते हैं, और इन्हें पाए जाते हैं दो न्यूक्लियाई मीन्स टू न्यूक्लियाई। दे हैव वन और मोर न्यूक्लियाई, मोनोमॉर्फिक एंड डायमॉर्फिक। पॉइंट नंबर 15, दे हैव लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अगर बात करें इनके क्लासिफिकेशन की प्रोटोजोन्स की, तो जो इनका क्लासिफिकेशन हुआ दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एंड लोकोमोटरी ऑर्गन्स। इनमें प्रेजेंट होते हैं स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला एंड सीलिया। तो ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और नन कुछ भी ना प्रेजेंट है इनमें से। पॉइंट नंबर 16, इनके जो बॉडी प्रोटोप्लाज्म है, बॉडी प्रोटोप्लाज्म दैट इज डिवाइडेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म। प्रोटोजोन्स जनरली फेवरेबल कंडीशन को पास ऑन करते हैं, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन को ये पास करने के लिए बनाता है स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं इंसिस्टमेंट। दे फॉर्म इंसिस्टमेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इमेज रिप्रोडक्शन दो टाइप्स हो सकता है, सेक्सुअल भी एसेक्सुअल भी। रिप्रोडक्शन कैन बी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एसेक्सुअल बाय बडिंग, बाइनरी
फिजन, फोरुलेशन, साइजोगोनी एंड सेक्सुअल बाई कंजुगेशन। कंजुगेशन किसमें? इन पैरामीशियम। पता है कि बड़ी होती है यीस्ट में, बाइनरी फिजन होता है इन अमीबा में। 19 नंबर, अब प्रोटोजोअ्स पाया जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्योंकि यहां पर दो फेज प्रेजेंट है, एसेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज। तो जब दोनों फेज में अल्टरनेशन होता है सेक्सुअल एसेक्सुअल फेज में, उसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये पाया जाता है इन प्लाज्मोडियम। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो से एग्जाम्पल्स में अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, लीशमैनिया एंड मोनोसिस्टिस, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें जो पढ़ना है डिटेल में, वो पढ़ना है लीशमैनिया एंड मोनोसिस्टिस, ये हमारे सिलेबस में है। और लीशमैनिया कॉज करता है लीशमैनियासिस डिजीज, जिसे कहते हैं विसरल लीशमैनिया भी। और ये कॉज करता है कालाजार, जिसे कहते हैं ब्लैक फीवर, जिसे कहते हैं दमदम फीवर। तो ये कॉज करता है कालाजार, जिसे कहते हैं ब्लैक फीवर या फिर दमदम फीवर, दमदम फीवर या फिर कालाजार, कालाजार। तो ये सब कॉज करता है। मोनोसिस्टिस एक एंडोपैरासाइट है ऑन सेमिनल विस्कल एंड अर्थवॉर्म, सीलोम ऑफ द अर्थवॉर्म। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रही हो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।